अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आदिल है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में एप्पल की वारंटी को कैसे क्लेम करवा सकते हैं और मेरा एप्पल प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, स्पेशली फोन और लैपटॉप, तो सबसे पहले हम उसकी ब्रांड को देखते हैं और हमें फिक्र होती है कि अगर इसमें कोई इश्यू आ जाए तो क्या हम इसकी वारंटी क्लेम करवा सकते हैं। सो बहुत से लोगों को आइडिया ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में कोई एप्पल का ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर है जहां से हम वारंटी क्लेम करवा सकते हैं। कुछ मंथ पहले तक मेरा शुमार भी इन्हीं लोगों में था। हुआ कुछ यूं कि मेरे एयरपोर्ट प्रो पर राइट साइड पर क्लिकिंग साउंड आना शुरू होगी और कुछ दिन बाद ही लेफ्ट साइड पर भी क्लिकिंग साउंड आना शुरू होगी। ये साउंड जब भी नॉइस कैंसलेशन या ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन हो सिर्फ तब ही आती है। जब दोनों मोड ऑफ हो तब ये साउंड नहीं आती थी और हेड को हल्का सा भी मूव करो तो ये क्लिकिंग साउंड शुरू हो जाती थी। एंड सम टाइम जब वॉल्यूम 70% से अबव हो तो उसमें भी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन होती थी। मैंने इस पर काफी रिसर्च की और बहुत सी वीडियोस में बताया हुआ था कि इसको रीसेट करने से ये इशू फिक्स हो जाएगा। एंड एप्पल ने गाइड किया कि इसके ईयर टिप्स को क्लीन करें। मैंने ये सब कुछ ट्राई किया पर इससे भी क्लिकिंग का इशू सॉल्व नहीं हुआ। तब मैंने एप्पल की सपोर्ट को कॉन्टेक्ट किया तो इन्होंने मुझे बताया कि लाहौर में इनके ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं फ्यूचर टेक। अब मसला ये था कि उन दिनों में लॉकडाउन था एंड मार्केट्स भी क्लोज थी और ये आइडिया भी नहीं था कि ये सिचुएशन अब कब तक रहेगी। एंड वारंटी भी कुछ ही डे में एंड होने वाली थी। मैंने इस बारे में जब एप्पल से बात की तो उन्होंने कहा घबराना नहीं है, हम वारंटी एक्सटेंड कर देंगे। खैर मैंने फ्यूचर टेक को कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि आप एयरपोर्ट ले आए और हम चेक करके इन्हें रिप्लेस कर देंगे। और जब मैं गया तो इन्होंने दोनों एयरपोर्ट पर रख लिए और मुझे 2 वीक्स का टाइम दिया एंड विद इन 2 वीक्स इन्होंने ये सिंगापुर से रिप्लेस करवा दिए विदाउट एनी चार्जेस। एयरपोर्ट प्रो का ये इशू काफी लोग फेस कर रहे हैं और एप्पल का कहना यह है कि अक्टूबर 2020 से पहले जितने भी एयरपोर्ट्स प्रो मैन्युफैक्चर हुए हैं उन सब में ये इशू लाजमी आएगा, इसलिए अब उन्होंने इसकी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम की डेट को 2 ईयर एक्सटेंड कर दिया है। इसके बाद एक इशू मैंने अपने आईफोन 11 प्रो मैक्स में नोट किया। जब भी मैं कैमरा ऐप ओपन करता था और किसी व्हाइट बैकग्राउंड पर देखता था तो इसमें एक ग्रे कलर का लाइट सा सर्कल शो होता था। ये सर्कल मेन कैमरा पर आता था और 2x पर भी आता था, बट अल्ट्रा वाइड पर यह सर्कल नहीं शो होता था। अब मोबाइल की वारंटी भी एक्सपायर होने में कुछ ही दिन रह गए थे। मैं फ्यूचर टेक की शॉप पर गया जो कि लाहौर में कलमा चौक पर है और इन्होंने मुझे बताया कि वारंटी क्लेम में ये फ्री ऑफ कॉस्ट कैमरा मॉड्यूल चेंज कर देंगे एंड विद इन 3 डेज ये इशू भी फिक्स हो गया। इन्होंने मुझे कहा कि आप डाटा बैकअप कर लें बिकॉज डाटा वाइप हो सकता है, पर जब मैंने फोन को रिसीव किया तो उसमें सभी डाटा स्टोर था। अक्सर शॉप वारंटी के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं और फिर वारंटी क्लेम के लिए भी आपको उन्हीं के पास जाना पड़ता है। और मुझे याद है कि आज से कुछ 4-5 साल पहले मैंने एचपी का लैपटॉप शॉप 5 से बाय किया और कुछ मंथ बाद ही उसमें फैन का इशू आ गया और उसकी वारंटी क्लेम के लिए मुझे शॉप 5 से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ा और उन्होंने इसकी वारंटी क्लेम करवा के मुझे आफ्टर 1 मंथ दिया। इसी तरह एक और एक्सपीरियंस हुआ आज से 3-4 साल पहले डेल एक्सपीएस 15 का, जो कि मेरी अपनी गलती थी। इसमें लैपटॉप बैग में था और यूनिवर्सिटी में ये चेयर से मुझे स्लिप हो गया और इसकी स्क्रीन डैमेज हो गई। तब मैंने काफी रिसर्च की फॉर डेल ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर, बट मुझे पाकिस्तान में इसका कोई भी सलूशन नहीं मिला। मैंने ये लैपटॉप यूएसए से इम्पोर्ट करवाया था यूजिंग आई शॉपिंग सर्विस, सो मुझे उन्हीं से कॉन्टेक्ट करके ये लैपटॉप वापस सेंड करना पड़ा और स्क्रीन रिप्लेस होने के 1 मंथ बाद ये मुझे मिला। एक और इशू जो कि डेल एक्सपीएस 15 9550 मॉडल में बहुत ज्यादा लोगों ने फेस किया वो था हीटअप का, जिससे बैटरी स्वेल हो जाती थी और ट्रैक पैड इतनी ज्यादा लीक हो जाती थी कि लैपटॉप क्लोज भी नहीं होता था। मेरे पास तब 2 डेल एक्सपीएस 15 थे और दोनों में ये इशू आया। इन्होंने तब सब यूजर को कॉन्टेक्ट करके रिप्लेसमेंट बैटरी सेंड की, जो कि मुझे एक लैपटॉप के लिए तो मिल गई पर सेकंड लैपटॉप की अभी तक नहीं मिली। फिर मुझे इसकी रिप्लेसमेंट बैटरी लोकली बाय करके खुद से इंस्टॉल करनी पड़ी। इसी तरह मेरे रेजर ब्लेड 15 लैपटॉप की बैटरी मुझे आफ्टर 1 ईयर रिप्लेस करनी पड़ी, बट कंपनी का पाकिस्तान में कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है और कोई भी कंपनी लैपटॉप बैटरी को इंपोर्ट करने पर राजी नहीं होती क्योंकि लैपटॉप बैटरी का काफी रिस्क होता है। खैर मुझे ये $80 की अमेज़न से मिली और इंपोर्ट करके टैक्सेस के बाद ये मुझे कोई 32,000 की पड़ गई। सो जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय करें तो एक बार कंपनी का वारंटी क्लेम को जरूर रिसर्च कर लें बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक का कोई पता नहीं होता कब कोई इशू आ जाए। तो यही है वो रीजन जिसकी वजह से अब मैं एप्पल की प्रोडक्ट को प्रेफर करता हूँ। आई नो इनकी कुछ प्रोडक्ट्स ओवर प्राइस हैं, बट इनका जो आपको कस्टमर एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत अच्छा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही जरूरी है एंड इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट में एप्पल का कस्टमर सेटिस्फेक्शन रैंक नंबर 1 है। एंड यही वो रीजन है जब आपका एक बार अच्छा एक्सपीरियंस हो तो आप सेकंड टाइम बाय करने से पहले कंफ्यूज नहीं होते, बिकॉज आपको पता होता है अगर कोई इशू आ भी जाए तो आपके पैसे जाया नहीं जाएंगे बल्कि आपका मसला हल किया जाएगा। तो ये है वो सारी बातें जो मैं आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल के 1000 सब्सक्राइबर इंशाल्लाह बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक्स अ लॉट। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक अ लॉट मोर वीडियोस लाइक दिस। आप अपना डिफरेंट ब्रांड्स की वारंटी क्लेम का एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। उन्होंने मुझे बताया था कि इसका डाटा आप बैकअप कर लें बिकॉज इसको वाइप लोगों ने फिश किया, बहुत फिश किया। तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय करें तो उस कंपनी की वारंटी क्लेम को लाजमी रिसर्च पर